नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज में हूं राकेश। और खबरें विस्तार से, झारखंड में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर राज्य सरकार लगातार बैठक कर रही है। इसी कड़ी में सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों के साथ आपात बैठक करते हुए कई अहम निर्णय लिया, जिसमें सरकार की ओर से रांची, जमशेदपुर, बोकारो, गुमला, चाईबासा और साहिबगंज में नए आरटीपीसीआर केंद्र बनाए और रिम्स में 110 नए आईसीयू बेड तैयार करने सहित अन्य आवश्यक कदम उठाए गए। बिहार में विकराल हो चुकी कोरोना की दूसरी लहर के बीच पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को कहा कि सब कुछ अच्छा है, ये तस्वीर मत दिखाइए, अगर ऐसा होता तो अदालत को दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य विभाग से जब हाईकोर्ट ने सवाल पूछने शुरू किए तो सरकार के पास जवाब तक नहीं था। कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए की गई तैयारियों को लेकर स्वास्थ्य विभाग को पूरी जानकारी देने का आदेश भी दिया। मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। राज्य सहित राजधानी पटना में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच पटना से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि शवदाह गृह में शव का दाह संस्कार करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने शवदाह गृह का जायजा लिया और पाया कि केवल बांस घाट में ही शवदाह का काम चल रहा है, जिसके बाद उन्होंने इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर जल्द से जल्द गोलबी घाट, खाजीकला घाट को जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। ये हम लोगों ने इसका निरीक्षण किया था और उसमें पाया था कि आधे से अधिक जो विद्युत सौदागरी हैं वो ख़राब हैं। तो नगर आयुक्त पटना को हमने पत्र लिखा था और बात भी किया है और उनकी टीम लगी हुई है कि उसको सभी को फंक्शनल किया जाए। और शुरू में सिर्फ बांस घाट पर ये इस प्रकार का अंतिम संस्कार हो रहा था, अब हम लोगों ने तीन घाट को चिन्हित कर दिया, इसमें बांस घाट, गुलबी घाट और खाजे कला घाट जो पटना सिटी में है। तो अब इस प्रकार की भीड़ एक घाट पर नहीं हो रही है, हम लोग उसको नजर रख रहे हैं किसी को असुविधा। राज्य में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले को लेकर सुबह का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी वीरान हो गया है। कोरोना के कारण आजकल पर्यटकों की संख्या में भारी कमी देखने को मिल रही है। पहले प्रतिदिन 25 से 30 सफारी रिजर्व में हुआ करते थे, लेकिन अब मुश्किल से एक या फिर दो ही सफारी होते हैं। हेलो, हम लोग आए घूमने, लेकिन कोविड के कारण यहाँ पर बहुत सारा चीज़ तो प्रतिबंध लगा हुआ है, नहीं घूम पा रहे हैं। केवल वहीं सफारी से हम लोग जंगल का सैर करने जा रहे हैं, फिर तो वहाँ से आएंगे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, सब लोग मास्क के साथ हैं, यही सब है। तो बगहा की यह खबर आपको बता रहे, जहां पर एकमात्र रिजर्व टाइगर पर जो कोरोना का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। और आपको ये बता दें चले कि रोजाना यहाँ पर जो पर्यटकों की जो संख्या होती थी काफी ज्यादा होती थी, लेकिन कोरोना की वजह से यहाँ पर जो पर्यटक है काफी कम आ रहे हैं और सीधा जो असर है वो यहाँ पर रिजर्व टाइगर में वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण में देखने को मिल रहा है, जहाँ पर पर्यटकों की जो संख्या है काफी कम हो गई है। दो या फिर तीन ही पर्यटक यहाँ पर भ्रमण करने आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये पूरा क्षेत्र है वीरान पड़ गया है और पर्यटकों की जो संख्या यहाँ पर भारी कमी देखने को मिल रही है। कारण कोरोना का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो डर है लोगों के मन में व्याप्त है और जो लोग हैं घूमने से बचते नजर आ रहे हैं, कतरा रहे हैं, और शायद ये वजह है कि टाइगर रिजर्व पर जो कोरोना का जो बड़ा असर है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो पर्यटकों की जो संख्या है उसमें भारी कमी देखने को मिल रही है, जिसके बाद यहाँ पर वीराना सा छा गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का शुक्रवार का जन्मदिन है। तेज प्रताप यादव आज 33 साल के हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए उन्होंने अपने सरकारी आवास पर केक काटकर अपना जन्मदिन मनाया। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर तेज प्रताप को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता भी लगा हुआ है। आपको बता दें कि पिछले साल जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप ने लॉकडाउन से प्रभावित
लोगों को खाना खिलाने की पहल की थी। उन्होंने लालू की रसोई नाम से इस पहल की शुरुआत भी की थी। बिहार में कोरोना के बढ़ते ग्राफ और बंगाल चुनाव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों सरकार पर लगातार हमलावर है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के हमले का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं। वहीं बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा कि इस बार जनता वहां धोखा देने वालों को सबक सिखाएगी। बंगाल की जनता जो वहाँ के लोग हैं वो किस तरह का फैसला लेते हैं उनके निर्णय पर ही निर्भर करता है। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूँ कि बंगाल में 15 सालों में 20 सालों में जितना विकास होना चाहिए बंगाल का विकास नहीं हो सका। बंगाल में जो शांति कायम होना चाहिए, आपस में मिल्लत होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए।